नमस्कार, मेरा नाम है लव सिंह, आप देख रहे हैं इंडियन हॉर्सेस। और आज की इस वीडियो में मैं आपके कुछ सुनहरे कमेंट इस वीडियो में बताने वाला हूं। हो सकता है आपका भी नाम इस वीडियो में हो, इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें। आपको ये भी बता दें कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल बटन का आइकन है उसे भी प्रेस कर लें। ये माधवगढ़ उत्तर प्रदेश में हॉर्स डांस चेतक प्रतियोगिता की वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं। और सबसे पहला कमेंट हमने लिया है अनमोल सिंह का। लो भाई, आप ऐसे ही अच्छी वीडियो बनाया करें, इंडियन हॉर्सेस चैनल एंड इंडियन हॉर्सेस आर नंबर वन। फिर से अनुराग पांडे लिखते हैं, मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस की कोई वीडियो दिखाइए। अनुराग पांडे फिर लिखते हैं, इंडियन हॉट स्टार चैनल बहुत ही अच्छा है। अनिल कुमार लिखते हैं, नाइस। फिर से एक अगला कमेंट मैं उठाता हूँ हसन अब्बास का, लिखते हैं, बहुत खूबसूरत और क्लियर वीडियो और अच्छी स्पीकिंग है भाई। ऐसा ही बहुत सारे कमेंट मैं हमेशा पिक करता हूँ और किसी ना किसी वीडियो में आपको जरूर सुनाता हूँ। राइटर रितेश ऑफिशियल लिखते हैं, बहुत सुंदर। अस्तोष सिंह लिखते हैं, माई फेवरेट चैनल इज इंडियन हॉर्सेस, आई ऑलवेज वॉच इंडियन हॉर्सेस। मैं इस चैनल के माध्यम से यूपी बिहार के सभी दंगल की जानकारी मिल जाती है। लव भाई का बहुत बड़ा फैन हूँ और मैं इस चैनल का पहला सब्सक्राइबर हूँ। मैं हमेशा सपोर्ट करता हूँ इंडियन हॉर्सेस को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आपका फैन हूँ, आप सभी लोगों का फैन मैं हूँ। अगर मेरी चीज़ें आपको पसंद आती है तो आपके कमेंट लिखने का तरीका और आपसे मिले प्यार का हम हमेशा आभारी हैं। नीरज ठाकुर लिखते हैं, बहुत बढ़िया लव भैया। इसी प्रकार से बहुत सारे कमेंट और भी लोगों के काफ़ी खूबसूरत कमेंट हैं, लेकिन समय कम रहता है और कमेंट कुछ ही उठा सकते हैं हम। इसी प्रकार आप भी कमेंट करके हमारे बारे में प्रतिक्रिया आप रख सकते हैं। और जो यूपी बिहार के दंगल होती है उसमें कौन सी चीज़ आपको अच्छी लगती है उसके बारे में भी आप हमसे चर्चा कर सकते हैं। और इसी कड़ी में मैं आपको बता दूँ कि 15 फरवरी 2020 को मुजफ्फरपुर में एक रेस आयोजित हो रही है। ब्रह्मपुर मेले के बारे में काफ़ी लोगों ने सवाल पूछा है तो मैं आपको बता दूं कि अभी ब्रह्मपुर मेला 15 फरवरी के बाद ही लगेगा। शिवरात्रि के बाद वहां पे रेस कराई जाती है और रेस की डेट शिवरात्रि के 2 या 3 दिन के बाद ही रखी जाती है। अगर इसी प्रकार सिस्टमेटिक तरीके से सब चलता रहा तो आप मान कर चलिए 23-24 में वहाँ की रेस पड़ेगी और 16-17 से वहाँ का मेला स्टार्ट होने वाला है। उसके बाद फिर बल्होत्रा तिलवाड़ा हॉर्स फेयर लगेगा और उसके बाद एक बड़े दंगल के रूप में लखनऊ में एक रेस आयोजित होगी जिसके ओनर रहते हैं मिस्टर ख्वाजा मोहम्मद गौस खान। जो रेस 12 फरवरी को कराई जाएगी, हम आपको डेट बताएंगे कि कब से आप वहां पहुंच सकते हैं बल्होत्रा तिलवाड़े हॉर्स फेयर के ख़त्म हो जाने के बाद। और उसके बाद 21 अप्रैल को फिर से रेस आयोजित होगी रौनाई फैजाबाद उत्तर प्रदेश में। वहाँ 19 को भी रेस है और रेस के तरीके इस बार कुछ चेंज किए गए हैं। जो राउंड की रेस होती है वो 21 अप्रैल को रखी गई है और एक नई रेस 19 को भी पूरी तरह से तैयारी की गई है कि 19 तारीख को एक और रेस कराई जाएगी जो सिंगल पट्टी पे बारी बारी से घोड़ों को छोड़ के दौड़ाया जाएगा, जैसा कि आप पंजाब में रेस देखते होंगे। और उस रेस में भी काफ़ी सारे इनाम रखे गए हैं। सिंधी और चौताले दोनों घोड़ों को अलग अलग दौड़ाया जाएगा, मतलब चौताले का एक विनर होगा और सिंधी घोड़े का दूसरा विनर होगा। इसी तरह और उसमें काफ़ी सारे पुरस्कार भी हैं और या तो टाइम फ्रेम रखा जाएगा जीत और हार के लिए और नहीं तो स्पीडोमीटर की व्यवस्था की जाएगी। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वंदे मातरम, जय हिंद।